प्लस न्यूज़ पर दमदार खबर देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको ये नोटिफिकेशन बेल का बटन दिख रहा है इसको ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी अपडेट मिल सके। धन्यवाद। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को हिंदू संगठनों ने निकाली पदयात्रा, खूब की नारेबाजी। जिले के कांदला कस्बे में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने पैदल मार्च किया। पैदल मार्च कर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहा। देश की बर्बादी है। देश की बर्बादी है। दरअसल आपको बता दे, मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र का है, जहां हिंदू संगठनों के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की। कांदला बस स्टैंड से थाने तक करीब 2 किलोमीटर की पदयात्रा में युवा कार्यकर्ताओं ने कानून के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, क्योंकि जनसंख्या देश की बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके कारण बेरोजगारी, भूखमरी और सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। कानून बन जाने से देश में खुशहाली रहेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याएं दूर होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SHO कांदला करमवीर सिंह को ज्ञापन दिया गया। शामली से ब्रेकिंग प्लस न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, एक रैली निकाली गई पदयात्रा, किस लिए? भारत के अंदर बढ़ती जनसंख्या के विरोध में आज ये कांदला के अंदर एक रैली निकाली गई है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि देश के अंदर जनसंख्या ज्यादा वृद्धि ना हो। हाँ। इससे हमारे रोजगार पर फर्क पड़ता है। जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार और जमीन और उद्योग ये घटते जा रहे हैं, तो इससे देश को आने वाले भविष्य का बहुत नुकसान उठाना। अच्छा, कहां से कहां तो हम चाहते हैं कि जनसंख्या यदि नियंत्रण होगा तो रोजगार भी और सब साधन जो है वो देश के अंदर संपन्न होंगे। ये किसी धर्म और किसी विशेष जाति और उसके लिए नहीं है, ये सबके लग मिलकर रैली निकाली गई। यही चाहते हैं आप? अच्छा, कहां से कहां तक मार्च किया आपका? ये हमने बड़ी नहर से लगा के थाने तक किया है और राष्ट्रपति के नाम हम जो है अपना विज्ञापन देंगे, SHO साहब को विज्ञापन। अच्छा, ये कहां से लोग आए आपके मार्च? हमारे क्षेत्र के अनेक गाँव से लोग आए हुए हैं, शहर से और गाँव से भी लोग आए हुए हैं, सभी क्षेत्र के।